लोगों ने कॉलेज का नाम सेठ जमनादास कॉलेज रख दिया। अच्छा किया। बुरा मत मानिए, एक बात पूछूं? पूछिए। ये सेठ जमनादास कौन है? आप हैं इसमें पूछने की क्या बात? कॉलेज का सेठ होने की हैसियत से मैं आप लोगों से ये पूछता हूं, नए मास्टर की जरूरत क्या है? बुरा मत मानिए, मास्टर नहीं सेठ साहब, लेक्चरर। आप बुरा मत मानिए, एक बात कहूं? कहिए। आप राष्ट्रभाषा बोलिए, मुल्क और कौम की बात कीजिए, समझे? हाँ जी, तो इस धंधे में आप हमारे पार्टनर हैं। धंधा कोई भी हो, लोहे का, कोयले का, खर्चा करके पार्टनर। खाते बोलिए मत और बोलते खाइए। आप चुप रहिए वर्मा जी। ये कैसा धंधा है कि पार्टनर आप भी हैं, खर्चा मेरा? सेठ साहब, आप लोग पार्टनर्स नहीं, शहर के चंद बाइज्जत लोग आप लोगों के साथ मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स हैं। ओ, तो इनका काम क्या है? मेरे खर्चे बढ़ाना? खर्चे बढ़ाना हम में से किसी का काम या मकसद नहीं है, लेकिन मुश्किल ये है कि जब तक कॉलेज में पूरा स्टाफ ना हो, हमारे नतीजे अच्छे ना हो, तब तक गवर्नमेंट इस कॉलेज को कॉलेज के तौर पे मंजूर नहीं करेगी, और जब तक गवर्नमेंट मंजूर नहीं करेगी तब तक सारे खर्चे सेठ जमनादास को ही बर्दाश्त करने पड़ेंगे, यही ना? जी हाँ, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। सेठ साहब समझदार हैं, इतने बड़े बड़े बिजनेस क्या यूं ही संभालते हैं? मुझे तो कॉलेज की इस कमेटी के मेंबरों में से अगर थोड़ा बहुत कोई भी समझदार नजर आता है तो सिर्फ आप ही हैं। खैर कोई बात नहीं, आपको इजाजत है कि आप नया मास्टर लेक्चरर रख सकते हैं, मगर एक बात का जरा खास तौर पर ध्यान रखिए कि खर्चे जहां तक हो कम किए जाए। आपने मेरे मुंह की बात छीन लिया। दूध पीजिए। Hello, my dear Anil. Danger of living beyond me. Sima Bose warns. Good morning. Good morning, mister. Good morning. Oh, good morning, sir. Sir, please come here. Excuse me. आप ही है मिस्टर निर्मल कुमार, नए लेक्चरर? जी हाँ। वेरी गुड वेरी गुड। कितने दिन यहाँ रहने का इरादा है? क्यों, खास बात है? जी खास बात है, यहाँ के स्टूडेंट नए प्रोफेसरों को दो दिन से ज्यादा रहने नहीं देते। काफी एक्सपीरियंस है आपको? जी 9 long years, 9 लंबे साल। विश यू गुड लक, हैप्पी लैंडिंग। थैंक यू सर। यू वेलकम। आज नए प्रोफेसर आने वाले हैं। मगर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे? ये है तुम्हारा वीकली प्रोग्राम। कॉलेज नया है, अभी तक रिकॉग्निशन नहीं मिली, खर्चों की तंगी है, स्टाफ की कमी है, इसलिए तुम पर कदरे ज्यादा ही बोझ डाल रहा हूं।
कोई बात नहीं प्रिंसिपल साहब, काम जितना ज्यादा रहे उतना ही अच्छा है। वेरी गुड, चलो तो मैं तुम्हारी क्लास के स्टूडेंट से मुलाकात करवा देता हूं। थैंक यू सर। निर्मल कुमार, आप है हमारे प्रोफेसर वर्मा। माफ कीजिए, मैं स्टेशन वक्त पर नहीं पहुंच सका क्योंकि आपके लिए मकान देखते देखते देर हो गई। शुक्रिया आपका, लेकिन मैं सीधा कॉलेज चला आया। वेरी काइंड ऑफ। शाम को इन्हें इनके मकान पर पहुंचवा दीजिएगा। जरूर जरूर सर। चलो कॉलेज स्टूडेंट्स को पढ़ाना और संभालना आसान नहीं, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है जितना अखबारों के पढ़ने से हमें अंदाजा होता है। मेरे ख्याल में आजकल स्टूडेंट कम्युनिटी कुछ जरूरत से ज्यादा बदनाम हो गई है। मैं आपका हम ख्याल हूँ प्रिंसिपल साहब। शर्म की बात है अपने बुजुर्गों अपने टीचरों का मजाक उड़ाना। मैं तुम्हारे नए लेक्चरर मिस्टर निर्मल कुमार को तुमसे मिलाने लाया, मैं इनसे तुम्हारी तारीफ कर रहा था, ऐसी बदतमीजी का परिचय देकर तुमने मेरी नजर झुका दी। नहीं नहीं प्रिंसिपल साहब, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? ये तो एक पुरखलूस प्यार भरी शरारत है जो अक्सर स्टूडेंट्स अपने नए प्रोफेसर के साथ करते हैं। मैं भी ऐसा करता हूं। क्यों, मैं ऐसा कह सकता हूँ? वेरी गुड वेरी गुड। मेरे ख्याल में अब मुझे यहां से जाना चाहिए। थैंक यू सर। थैंक यू। इसमें बस एक ही कमी रह गई थी जो मैं पूरी किए देता हूं। अब मैं उस कलाकार महाशय से मिलने का फख्र हासिल करना चाहता हूं जिन्होंने मेरा यह कार्टून बनाया। ऐसा लगता है कलाकार साहब शर्मा गए। तो आप हैं जी? आपकी तारीफ। मुझे अजीत कहते हैं। अजीत, तुम बड़े अच्छे कलाकार हो, बैठ जाओ। आप सब मुझे आजाद कहते हैं। मैं तो समझा था कि आप कोई प्रोफेसर हैं या कोई लेक्चरर। जी हाँ, अक्सर लोग ऐसी गलतफहमी में मुब्तला हो जाते हैं। वैसे तो आप बच्चे सिर्फ 8 बार इसी क्लास में फेल हो चुके हैं। सर सर, ये लड़की गलत कह रही है, 8 बार नहीं 9 बार। वाकई आजाद साहब? यस सर। सर कोशिश करना इंसान का फर्ज है, कोई ना कोई साल तो मैं पास हो ही जाऊंगा। और सर अपना एक उसूल है कि ट्राई 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 अगेन टिल यू सक्सीड। सर एक और बात है, एक बादशाह था और वो उसके खामोश, क्वाइट प्लीज। आजाद साहब आप बैठ जाइए। कि मैं शतरंग ग्रुप का हूँ, मैं लेक्चरर। ओह, मिस आपका शुभ नाम? मैं मिस रत्ना जमुना दास हूँ। मैं आपका नया लेक्चरर। जी हाँ, वो तो जाहिर है। रियली? आप ये महसूस करती हैं? आप ऐसा क्यों पूछते हैं? इसलिए कि जब आप क्लास में दाखिल हुई तो ऐसा जाहिर नहीं हुआ। एक तो आप लेट आए, दूसरे आप बगैर इजाजत के क्लासरूम में चली आई। ये तरीका बिल्कुल गलत है, आपको मेरी इजाजत के बगैर क्लासरूम में दाखिल नहीं होना चाहिए। और आपकी इजाजत से मैं क्लास से बाहर जा सकती हूँ? क्यों? मेरे सर में दर्द है। ओह, मुझे आपसे पूरी हमदर्दी है, लेकिन आप क्लासरूम छोड़कर नहीं जा सकती। और ऐसे सर दर्द का इलाज
मैं हमेशा अपने पास रखता हूँ। ये लीजिए, गोलियां खा लीजिए। नहीं तो मैं ये सोचूंगा कि आपको सरदर्द नहीं है। खामोश, खामोश, खामोश। ये क्लासरूम है, यहां आप इस तरह की बदतमीजी नहीं कर सकते। मैडम गाड़ी गैरेज में रख दो। Shut up, you idiot. अपने आप को न जाने क्या समझता है, ऐसी मुक्की खाएगा ना बड़ा आया है। फूफी तुम बोलती क्यों नहीं कुछ? आज फिर किसी ने कह दिया कुछ? हाँ, वो जो डैडी ने नया लेक्चरर रखा है ना, उसने मेरी बेइज्जती कर दी। बेचारे को मालूम नहीं होगा कि तुम सेठ जी की बेटी हो। क्या मतलब? यानी कि मेरी अपनी इज्जत नहीं, सेठ जी की बेटी होने के नाते ही सब? अच्छा, थूक दो गुस्सा। क्या पियोगी क्या खाओगी? एस्प्रो है घर में। एस्प्रो? हाँ। पगली। हाँ। अरे ये नहीं, वो नीचे वाली। ये नहीं उठाई जाती है। सब मिलकर उठाओ, ये बहुत भारी है। भारी तो होगी ही, जानते हो कितने बड़े आदमी की तस्वीर है ये? कितने बड़े? बहुत बड़े आदमी की। आओ। ये हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। क्या कहा मैंने? हाँ बोलो, शाबाश बोलो। गुरुदेव, गुरुदेव रविंद्रनाथ, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। टैगोर। ओह आजाद भाई, मकान ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया। ले ये बच्चे किसके? मोहल्ले वालों के। मोहल्ले वालों के? हाँ। मैं सोच में पड़ गया था कि मेरा अंदाजा कभी गलत नहीं हो सकता, लेकिन आज गलत हो गया। प्रोफेसर साहब, अगर आप शादीशुदा होते तो लेक्चरर बनने के बजाय मेरी तरह हर साल एक ही क्लास में फेल हुआ करते। तो क्या आप, मेरा मतलब है? जी हाँ। अच्छा बच्चों, अब तुम जाओ, कल मिलेंगे। शाबाश। मास्टर जी, आप हमारे साथ खेलेंगे? जरूर खेलेंगे। मास्टर जी, बंसरी भी बजाएंगे? हाँ हाँ, जरूर बजाएंगे। अच्छा तो आप शादीशुदा हैं? जी हाँ। प्रोफेसर साहब, आप अपनी भाभी जी को दुआएं दीजिए, हमें एक ही क्लास में 9 साल तक फेल करवाया है। क्यों बदनाम करते हो बेचारी को? बेचारी को? प्रोफेसर साहब, एक बार उनके दर्शन कीजिए और फिर मुझसे कहिएगा। क्या बेचारा? निर्मल बाबू, क्या आपको बच्चों का बहुत शौक है? अरे इसमें शर्माने की कोई बात नहीं, मैं तो यूं ही पूछ रहा था, क्योंकि अपना अंदाजा कभी गलत नहीं हो सकता। सिर्फ शौक की बात नहीं आजाद, जब मैं इन मासूम बच्चों को भटकते हुए देखता हूं तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी महसूस करने लगता हूं। जिम्मेदारी? हाँ आजाद, इन बच्चों को तालीम की जरूरत है और मैं इन बच्चों की पढ़ाई के लिए एक नाइट स्कूल खोलना चाहता हूँ। यही मेरा शौक है। बड़ा अच्छा शौक है। प्रोफेसर साहब, जब तक मेरे बच्चे नहीं होते मुझे लोगों के बच्चों को देखकर कुछ जिम्मेदारी सी महसूस होने लगती है। अगर आपको एतराज ना हो प्रोफेसर साहब, तो मैं आपके इस शौक में आपका हाथ बटाऊं? हाँ आजाद। बुलाया है डैडी ने उसे। किसे? निर्मल बाबू को। बड़ा आया है, मुझे तमीज सिखा रहा था। बेचारे को मालूम ना था कि तुम सेठ जी की लाडली बेटी हो। आज पता चल जाएगा। डैडी से मिल ले, बाद में पूछूंगी। डॉक्टर साहब, एस्प्रो चाहिए? मुझे आपके गुस्से से बहुत डर लगता है। कहीं आप नाराज हो गए
तो गजब हो जाएगा। सरकार, क्या है? कोई निर्मल बाबू आया। ओ, आ गया वो। अरे वर्मा जी, इतनी देर से आए, इनको चाय बाय पूछी नहीं? अभी लाया मालिक, जल्दी लाओ। नहीं नहीं, चाय बाय की क्या जरूरत है। मुझे इजाजत दी थी, लेकिन याद रखिएगा, आदमी ट्रिपल एम है। ओ, सौदा सस्ता है, आदमी अच्छा है। ओ, अच्छा, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्ते वर्मा जी। नमस्ते। तुम नहायत अहमक हो। जी क्यों, क्या जरूरत थी तुम्हें रत्ना को तमीज सिखानी थी? जानते नहीं वो सेठ की लड़की? अगर वो सेठ जी की लड़की है तो इससे क्या हुआ? इसीलिए कहता हूं तुम अहमक हो। जाओ जाओ भुगतो, जाओ। नमस्ते सेठ जी। आपने मुझे याद फरमाया। ओ निर्मल, कितनी दिलचस्प किताब है, रात से छूटती नहीं। बैठो बैठो। चाय सरकार। हाँ, निर्मल बाबू के लिए चाय भी ले आए। फरमाइए। आपने मुझे बुलाया है। रत्ना के बारे में देखिए सेठ जी, अगर आप ये समझते हैं कि आपकी बेटी होने के नाते मैं उससे खास सलूक करूंगा तो मुझे अफसोस है। अगर आप चाहते हैं तो मैं अपना इस्तीफा देने को तैयार हूं। इस्तीफा? बुरा मत मानना बेटे, मगर मैंने तुम्हें ऐसा कब कहा है? रत्ना ने तुम्हारी शिकायत की थी, मैंने उसे उल्टा ही डांट दिया। मैं तो तुमसे बहुत खुश हूं। बैठो बैठो बैठो, चाय पियो, ठंडी हो रही है। क्या बताऊं बेटा, रत्ना बेमां की बच्ची है। खैर, बाप होकर अपने मुंह से उसकी क्या तारीफ करूं। इतनी नेक, सुशील और खामोश है कि घर में होते हुए भी किसी को पता नहीं चलता कि वो घर में है। सॉरी डैडी। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, इधर आओ, आकर उनके पैर छुओ। पैर क्यों डैडी? बेटी, जब बाप कहे तो फिर क्यों नहीं कहते। अच्छा डैडी। आओ, गुरु के पांव छूते हैं। अरे ये क्या कर रही हैं आप, मुझे शर्मिंदा ना कीजिए। देखा कितनी फरमाबरदार है, क्या मजाल, जो मैं कहूं कोई ना कहे। अच्छा, मैं चाहता हूं। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अरे भाई, वो चारा ना लाओ, चारा ना तो तुम का हम दे दें लाला जी। भगवान कसम तुमने नहीं दिया। अच्छा, जब तू चारा ना खातिर भगवान सौगंध खा तो ले फिर। मैंने कहा राम राम मौसी। राम राम, कैसे हो लाला? काशी जाने की सोच रहा हूं। राम राम। सौ चूहे खाके बिल्ली गंगा नहाने चले। नमस्ते माता जी। कल्ली, पूजा का सामान तैयार किया? हाँ मौसी। ठीक है।
अब आखिरी दिनों में एक ही विनती है, मेरी लक्ष्मी को सुमति दे और मेरे कलेजे को ठंडा। इतनी बड़ी हो गई है लेकिन समझती नहीं है। लक्ष्मी कहाँ है? मुझे नहीं मालूम मौसी। मालूम नहीं तो ये सब क्या हो रहा है? तू यहाँ क्या कर रही है? जी उस्ताद जी। जी चौधरी जी, मैंने आपसे हजार बार अर्ज किया कि लक्ष्मी हमारी जान है, इस घराने की शमा रोशन रहेगी तो उसी के दम से, और आप हैं जो मरे जा रहे हैं इन लड़कियों पर, जिनके गले में न सुर है और न जिन्हें पैर उठाने का बोल। लेकिन चौधरानी जी, अगर लक्ष्मी यहाँ ना हो तो उसमें मेरा क्या कसूर? तो वो है कहाँ? अगर ये खबर होती तो आपको सवेरे सवेरे इतनी तकलीफ देने की हमें जरूरत ही क्या थी। नाम है तुम्हारा? लक्ष्मी। तुम रोज यहाँ क्यों खड़े रहते हो? मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। अच्छा चलो चलो हमारे साथ चलो, हम तुम्हें दाखिल करा देंगे। लक्ष्मी। मौसी ये लड़कियाँ कहती हैं मैं स्कूल में दाखिल हो सकती हूँ। स्कूल में जाए तेरे दुश्मन, तुझे क्या पड़ी है मदद खपाने की? मौसी मुझे पढ़ने दो। सुनती है कि नहीं?
पी हो तो मैं क्या करूं, तुमने आंखों से पी हो तो मैं क्या करूं, इसलिए बेखुदी हो तो मैं क्या करूं, तुमने आंखों से पी हो तो मैं क्या करूं, तुमने आंखों से पी हो तो मैं क्या करूं। लेकिन हुस्न में दिलकशी हो तो मैं क्या करूं, हुस्न में दिलकशी हो तो मैं क्या करूं, इसलिए बेखुदी हो तो मैं क्या करूं, तुमने आंखों से पी हो तो मैं क्या करूं, तुमने आंखों से पी हो तो मैं क्या करूं। ऊपर जाके देखो, जाओ ऊपर जाओ, ऊपर जाओ। बाबूजी आपका ही इंतजार है। नजर लागे बलमा तेरे बंगले पे, नजर लागे बलमा तेरे बंगले पे। मैं आवाज सुनकर खिजा चला आया। शुक्रिया। मैं कहती हूँ लक्ष्मी की आवाज में जादू है, पगली सुनती ही नहीं। जहाँ महफिल रंग में आई कि भाग खड़ी, उसे तो पढ़ने लिखने की धुन सवार है। जब तो ये किताब उन्हीं की है। हाँ, ये मैंने फेंक दी थी। किताब को फेंकना नहीं चाहिए, ये तो विद्या है।
देखा देखा इस पगली को, ये कायदा आग लगे न जाने कहां से उठा लाई है। अगर वो पढ़ना चाहती हैं तो हर्जी क्या है, पढ़ना कोई बुरी बात तो नहीं। अरे हाय, तुम यहाँ दिल बहलाने आए हो कि स्कूल मास्टरी करने? स्कूल मास्टरी समझ लीजिए, मैंने अपना स्कूल खोल रखा है जहाँ आप इन्हें भेज सकती हैं। क्या मैंने ये मकतब खोल रखा है जहाँ से तू अपने स्कूल के लिए लड़के लड़कियाँ चुराता फिरे? चल दफा हो यहाँ से, और खबरदार जो कभी दोबारा इधर का कदम उठाया। हाँ, 6 महीने से मुझे फुर्सत नहीं है और ये आया और आग लगाने। देखो हम तुम्हारे लिए कितनी चीजें लाए हैं। गोपाल, तुम्हारे पास किताब नहीं थी ना? जी हाँ। ये लो किताब। और रामू, तुम्हारे पास क्या नहीं है? मास्टर जी, हमारे पास स्लेट नहीं है। अच्छा, ये लो स्लेट। और ये रही तुम्हारी पेंसिल। अब सबके पास किताबें और स्लेटें आ गई? जी हाँ। चलो तुम अपनी अपनी जगह में बैठ जाओ, चलो जल्दी से। हाँ, बोलो। शाबाश, एक बार फिर बोलो। अब अपनी अपनी स्लेटों पे ये लिखो। चलो चल लक्ष्मी, मौसी आ गई। हाँ मौसी, मुबारक हो मौसी, तुम्हारी लक्ष्मी आज सवेरे से ही रियाज कर रही है। सच? भगवान ने मेरी सुन ली, मैं जरा अपनी आंखों से देखूं। भगवान ने मेरी विनती सुन ली, अब मैं राधा कृष्ण जी के मंदिर जाऊंगी और प्रसाद चढ़ाऊंगी। मौसी गई, मैदान साफ है। गई? लो मैं भी चली। हेलो फिरोज, हाउ आर यू? सेकंड पीरियड शुरू हो गया, जाओ सब अपने अपने क्लास में जाओ। Silence. मिस, क्या नाम है तुम्हारा? वहां लड़कों में क्यों बैठी हो? यहां आके बैठो लड़कियों में।
कम यार। Thirty-six, thirty-seven, thirty-eight, thirty-nine. Very good. कल मैंने तुम लोगों को थ्योरी ऑफ इक्वेशंस पढ़ाया था, आज मैं तुम्हें बायनोमियल थ्योरम पढ़ाऊंगा। क्या है? साइलेंट। सर, ये लड़की इस क्लास की स्टूडेंट नहीं है। नहीं है? यस यस। ये लड़की कौन है? सर, इसके पास बच्चों की प्राइमर है। बच्चों की प्राइमर? आ से अमरूद, आ से आम, ई से इमली, आ से अंगूर, आ से अनार। लीला, इन्हें कमरे में ले जाओ जल्दी। गो टू योर क्लासेस, गो टू योर क्लासेस। कौन है ये, तुम जानते हो? जी हाँ, थोड़ा बहुत। पढ़ना चाहती है लेकिन लेकिन हालात इजाजत नहीं देते। कॉलेज में क्यों आई? कुछ कह नहीं सकता सर, उसे तो काफी चोट आई है। वो तो यहाँ नहीं है। मालूम होता है, चली गई। तुम लोग क्या कर रही हो यहाँ पर? मुंशी मत मारो, उसे चोट आ गई है। चली जाओ। मिस्टर वर्मा, भरत के अलावा कभी आपने कुछ और भी सोचा है? पहले आप ही कम न थे, जब से निर्मल बाबू आए हैं खर्चा और भी बढ़ गया है। सेठ जी, हर कॉलेज में सालाना जलसा और खेलों के मुकाबले होते हैं। हर कॉलेज में होते हैं, ये कोई दलील नहीं मिस्टर वर्मा। हमारे कॉलेज में नहीं होंगे, हमने कॉलेज खोला है, कोई सर्कस पार्टी नहीं। बुरा मत मानिएगा। आप क्या कहते हैं मिस्टर निर्मल? जैसे आपकी मर्जी सेठ जी। तो फिर बुरा मत मानिएगा, तो मेरी मर्जी ये है कि ये सब कुछ भूल ही जाइए। नमस्ते जी। देरी कहाँ से भूल जाने के लिए कह रहे हैं? यही कॉलेज का सालाना जलसा और खेल। क्यों? मर्जी है सेठ जी। वाह, और हमने जो इतनी तैयारियां की है। डैडी, क्या आप कॉलेज को बदनाम करेंगेगा? निर्मल बाबू, बुरा मत मानिएगा, आपने तो मेरे घर में विभीषण पैदा कर दिया है। थैंक यू सेठ जी। हाँ तो आजाद साहब, ये प्रोफेसर साहब, आप फिक्र मत कीजिए। अरे 9 साल का एक्सपीरियंस है मुझे ये फंक्शन का। हर साल का मैं चीफ होता हूँ ये डिपार्टमेंट का। आप बेफिक्र रहिए, स्पोर्ट का भी तो मैं हूँ। थैंक यू जी। सुनिए, मैंने कहा वो जलसे का और खेलों का सारा सामान पहुंचा दिया गया है, लेकिन प्रोफेसर साहब अब तक पेशगी के अलावा बाकी के रुपए नहीं मिले हैं। देखिए, मैं आपसे कई बार कह चुका हूँ, लेन देन के बारे में आप वर्मा जी से कहिए। जी, वर्मा जी से तो कई बार कहा, लेकिन साहब वो तो सिर्फ कोरी बातें ही बात करते हैं, लेन देन नहीं करते। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है। डिपार्टमेंट नहीं है? क्या कहा बेटा? बोले ये मेरा डीपा नहीं है। डीपा? क्या मतलब?
मतलब? इसीलिए तो कहा था बेटा कि थोड़ी सी अंग्रेजी पढ़ ले, लेकिन तुझे तो दिन भर बस गिल्ली डंडा, अब चल अंग्रेजी नहीं पढ़ेगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, स्त्रियों और पुरुषों, मुझे ये ऐलान करते हुए बड़ी खुशी होती है कि हमारे कॉलेज की हिस्ट्री में, यानी कॉलेज की जिंदगी में, ये पहली बार स्पोर्ट्स का प्रोग्राम हो रहा है और इस प्रोग्राम का पहला आइटम है गर्ल्स म्यूजिकल चेयर। कर बैठे अब दिल से बुलाना मुश्किल है, हस्ती का मिटाना आसान है, चाहत का मिटाना मुश्किल है। तूफान उठे उल्फत में ना हिम्मत हारेंगे, आंधी हो के अब तूफान उठे उल्फत में ना हिम्मत हारेंगे, उल्फत में ना हिम्मत हारेंगे। आए हैं तुम्हारी राह में हम, अब लौट के जाना मुश्किल है, हम तुमसे मुहब्बत कर बैठे अब दिल से भुलाना मुश्किल है। नर्तकी और वो शरीफ इंसान, कैसे होगा तेरा उसका प्यार,
अरे नादान। अगर कोई हमको सहारा न देगा, अगर कोई हमको सहारा न देगा, बता ऐ ज़माने किधर जाएंगे हम, ये दुनिया अगर हमसे नफरत करेगी, ये दुनिया अगर हमसे नफरत करेगी, यकीन है कि घुट घुट के मर जाएंगे हम, अगर कोई हमको सहारा न देगा। तुम्हारे पास यहाँ आने का दूसरा कोई रास्ता ही नहीं था। बात का हमेशा ख्याल रखना लक्ष्मी, कोई भी अच्छा काम झूठी या गलत बुनियाद पर रखकर नहीं किया जा सकता। आज अगर मैं झूठ को अपना लूं तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा।
सच कह रहे हैं, आप लोगों की नजरों से गिर जाएंगे। मैं सिर्फ अपने लिए नहीं कह रहा, तुम्हारे लिए भी। क्यों झूठ बोल रहे हैं बाबूजी? मेरा अंजाम तो सच बोलकर भी वही है, झूठ बोलकर भी वही। आपके पास तो झूठ बोलकर चले आना जैसे जानबूझकर सपने देखना था, टूट गया। अब फिर यहां कभी आने की कोशिश न करूंगी। ये किताब रख लीजिए, मेरे काम के लिए। किसी को दे दीजिएगा जिसके काम आ जाए। लक्ष्मी, बाहर तूफान है। उसी से बचने के लिए आई थी।
लक्ष्मी, तुम्हें इस तूफान से बचना ही होगा। मैं आ गया। ओ वर्मा जी, निर्मल आइए। ये कॉलेज फंक्शन के बिल वगैरह मैंने सब चेक कर लिए हैं और प्रिंसिपल साहब के दस्तखत भी करा लिए हैं। आप इनका हिसाब कर लीजिएगा। थैंक यू। कायर मत बन, कुछ भी बन, बस कायर मत बन। ठोकर मार, पटक मत माथा, तेरी राह रोकते पाहन। कुछ भी बन, बस कायर मत बन। ले दे कर जीना क्या जीना, कब तक गम के आंसू पीना। मानवता ने सींचा तुझको, बहा युगों तक खून पसीना। कोई मनुष्य जन्म से छोटा बड़ा नहीं होता, बल्कि अपने कर्मों से होता है। हर मनुष्य को अपना जीवन सुधारने का पूरा पूरा अधिकार है, और वो उस वक्त हो सकता है जब उसको ज्ञान होता है। वाल्मीकि एक डाकू थे, जब उनको ज्ञान हुआ तो वो महात्मा के रूप में बदल गए और उन्होंने रामायण की रचना की। अरे लक्ष्मी, तुमने तो कमरे की सूरत ही बदल डाली। अच्छा लग रहा है। हाँ, चलो किताब निकालो। पहले आप मुंह हाथ धो लीजिए। हाँ? सुबह से काम करते करते थक गए होंगे। उठिए, मैंने पानी साबुन रख दिया है। लेकिन कोई ऐसी थकावट तो नहीं? पर मुंह हाथ धोने में हर्ज क्या है? उठिए ना। बैठ जाइए। क्यों? बैठ जाइए ना। आज आप पहले खाना खा लीजिए। खाना? लेकिन खाना तो मैंने पकाया ही नहीं। मैं बना कर लाई हूं, आप खाएंगे ना मेरे हाथ का बना हुआ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मुझे डर था कहीं आप मेरे हाथ का खाना खाने से इनकार न करते। मैं छूत छात में विश्वास नहीं रखता। और तुम कोई अछूत तो नहीं? अछूत? सिर्फ अछूत होती तो अच्छा था। लक्ष्मी, ऐसा क्यों सोचती हो तुम? सोचती हूँ बाबूजी, देखती हूँ हम लोग भी अजीब हैं। हमारे यहाँ बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा हर जात हर मजहब का आदमी आता है, गाड़ियां भेज बुलाता है, लेकिन हमारे किसी के घर कोई जगह नहीं। खा लीजिए ना। ओ हाँ, लेकिन इतना खाना तो जाया जाएगा। जितनी भूख है खा लीजिए, बाकी मैं खा लूंगी। झूठा? मेरा झूठा? खा लीजिए ना। तुम देखती रहो और मैं खाता रहूं, मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो अक्सर आती है, इसे पहले ही मैंने देखा है। अरे ये तो रमप्यारी वाली लक्ष्मी है। एक रोटी और खा लीजिए। नहीं लक्ष्मी, बहुत खा लिया, अब बस। आइए हाथ धो लीजिए। अब मालूम हुआ मुझे किराया क्यों नहीं मिलता।
जी लीजिए इलायची और मिश्री। अब आप आराम कीजिए। क्यों, पढ़ोगे नहीं? आज का सबक हो गया। कैसे? आप नीचे पढ़ा रहे थे, मैं ऊपर पढ़ रही थी। चलो। अच्छा, अब फिर लिखना पढ़ना शुरू मत कीजिएगा। लक्ष्मी जी? नहीं, कुछ नहीं। आप कुछ कहते कहते रुक गए। सोच में पड़ गया, शायद तुम्हें अच्छा ना लगे। आप कहकर तो देखिए। मैं ये कह रहा था कि ये कपड़े जो तुम पहनकर आई हो, सादे कपड़े अच्छे लगते हैं। लक्ष्मी, ये क्या? आप भी आदर्श हैं, मुझे अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं। भड़कीले कपड़े पहनने को तो हर कोई कहता है, सादे कपड़े पहनने को किसी ने नहीं कहा। मुझे अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, तूने पढ़ाएंगे। मालूम है, एक ही क्लास में 9 बार फेल हो चुके हैं। 9 बार? इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें नहीं पढ़ा सकता। बच्चों, तुम लोग कोई भी सवाल करो, उसका मैं तुम्हें जवाब दूंगा। ए हिस्ट्री, केमिस्ट्री, पामिस्ट्री, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, जूलॉजी, आलूजी, कचालूजी। आलूजी, कचालूजी, ये सब क्या है? तुम नहीं समझोगे बच्चों, तुम सवाल पूछो, उसका जवाब दूंगा। पूछो कोई सवाल बच्चों, पूछो कोई सवाल, मुझसे ज्यादा कोई न जाने इस दुनिया का हाल। बच्चों पूछो कोई सवाल, बच्चों पूछो कोई सवाल, पूछो कोई सवाल, बच्चों पूछो कोई सवाल। यस सर, मैं करता हूँ आपसे एक सवाल। पूछो पूछो। कौन है जिसकी कोई सुने ना डर डर करता जाए? कौन है जिसकी कोई सुने ना डर डर करता जाए? तो है इस स्कूल का टीचर हरदम जो चिल्लाए। साइलेंस। वो तो है इस स्कूल का टीचर हरदम जो चिल्लाए। अरे वो तो है इस स्कूल का टीचर हरदम जो चिल्लाए। क्यों बच्चों, ठीक है ना? नो सर, नो सर, रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर। क्या कहा? सुनिए सुनिए, कोई सवाल बच्चों, पूछो कोई सवाल। यस सर, मैं करता हूँ आपसे एक सवाल। बड़े शौक से। कौन है वो जो कहलाता है हम सब? सबका रखवाला, समझा। या तो वो कोई गोरखा होगा या कोई होगा लाला। खामोश।
या तो वो कोई गोरखा होगा या कोई होगा लाला, अरे या तो वो कोई गोरखा होगा या कोई होगा लाला। क्यों, ठीक तो है? नो सर, नो सर, रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर। क्या कहा? सुनिए मैं बतलाऊं कौन है हम सब का रखवाला, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल, तुमसे ज्यादा हम सब जाने इस दुनिया का हाल। पूछो कोई सवाल बच्चों, पूछो कोई सवाल, पूछो कोई सवाल बच्चों, पूछो कोई सवाल। यस सर, मैं करता हूँ आपसे एक सवाल। पूछो पूछो। गंगा जमुना क्या है कहाँ है ये तो कहो टीचर जी, गंगा जमुना क्या है कहाँ है ये तो कहो टीचर जी, अजी गंगा जमुना क्या है कहाँ है, याद आया। वो तो एक रंगीन फिल्म है जिसकी हुई है जुबली। अरे वो तो एक रंगीन फिल्म है जिसकी हुई है जुबली, अरे वो तो एक रंगीन फिल्म है जिसकी हुई है जुबली। करेक्ट? नो सर, नो सर, रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर। अच्छा, ये भी गलत। जी हाँ, गंगा जमुना क्या है ये तो बच्चा बच्चा जाने, वो तो दो नदियां हैं जिनसे भारत है खुशहाल, वो तो दो नदियां हैं जिनसे भारत है खुशहाल, तुमसे ज्यादा हम सब जाने इस दुनिया का हाल। अरे मुझसे ज्यादा तुम सब जानो इस दुनिया का हाल। अब ना करो सवाल बच्चों, अब ना करो सवाल, अब ना करो सवाल बच्चों, अब ना करो सवाल। कोई आए तो कहना घर में नहीं है। वर्मा जी। निर्मल, मैं शर्मिंदा इस झूठ के लिए, और इसलिए भी कि मैंने तुमसे कहा इनके पैसे चुका दिए। तो क्या आपने इनके रुपए नहीं दिए और मेरे मकान का किराया भी? क्यों? क्योंकि जिंदा रहने का दूसरा कोई रास्ता नहीं था। वर्मा जी, जिंदा रहने का ये भी कोई तरीका है? तुम क्या समझते हो मैं खुश हूं? लेकिन ये धोखा है, फरेब है। आप प्रोफेसर हैं, आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। क्या सोचेंगे ये लोग जब इन्हें पता चलेगा कि आप इनका रुपया हजम करके? क्या सोचेगा मेरा मालिक मकान? उसके दिल में आपके लिए और मेरे लिए क्या इज्जत रहेगी? क्या सीखेंगे आपके बच्चे, आपके स्टूडेंट्स, और मैं आप जैसे सीनियर प्रोफेसर से क्या सीखूंगा? निर्मल, कोई किसी से कुछ नहीं सीखता। मैंने भी अपने माँ बाप और बुजुर्गों से ये नहीं सीखा था। हालात मजबूर कर देते हैं। मैं भी कभी जवान था, मेरे अरमान थे, उम्मीदें थी, आदर्श थे, उसूल थे। ये देखो खाली बक्से, इसमें मेरे कॉलेज के मेडल्स, ट्रॉफीज और कप्स थे। सब बिक गए, सिर्फ ढांचे रह गए हैं। जैसे कि मैं, आओ तुम्हें और कोई दिखाऊं। आओ, आओ। ये तुम्हारी भाभी है, इस वक्त ये बेहोश है। क्या तकलीफ है इन्हें? कैंसर। रात दिन तड़पती है, बेहोशी की दवाई के लिए खर्चा करना पड़ता है। इसे अभी भी जीने की उम्मीद है, न जाने भगवान इसे कब मौत देगा। आप ऐसा क्यों कहते हैं? तो क्या कहूं, पांच बच्चे हैं, उनमें से दो कुंवारी जवान लड़कियां, उन्हें जिंदा रखूं या इसे? मुश्किल तो यह है, हर कोई जीना चाहता है, किसे जिंदा रखूं? कैसे? धोखे फरेब से तो अब काम नहीं चलता।
जेंटलमैन, अंकल्स और आंटीज, आज मिस रत्ना की सालगिरह है। इस खुशी के मौके पर सेठ जमनादास गाना गाएंगे। अरे नहीं 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 नहीं, मेरा मतलब है सेठ जमनादास की लड़की गाना गाएगी। आइए। नहीं नहीं, आइए मिस रत्ना। अरे आइए ना, सिर्फ एक गाना, शर्माने की क्या बात है। देखिए आपको गाना होगा। सेठ जी सागर, कोई बात नहीं। अरे उसमें क्या विस्फोटिंग, आज तो आप नाच नहीं सकती, आज तो आपकी सालगिरह है, आपको गाना होगा। आइए चचो भाई, हटो ना जल्दी से, बीच में आते हो, बैठो। अरे गाओ ना, आज तो मजे की बात है। रेडी, एक दो तीन।
मुबारक हो रत्ना। थैंक यू। मुबारक हो रत्ना जी। शुक्रिया। क्या गाना गाया था। इट वॉज रियली वंडरफुल। नहीं आया गाना। बहुत अच्छा गाती हो, इसलिए आवाज से भी दूर चले आए। नहीं, कुछ घुटन सी महसूस हो रही थी, शायद भीड़ की वजह से, और तबीयत भी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। तो क्यों आए? आशीर्वाद देने। कोई तोहफा? मैं इतना अमीर नहीं, लेकिन फिर कभी सही दूंगा एक दिन। क्या? जो तुम मांगोगे और मेरी पहुंच के अंदर होगा। सॉरी लीला, चाय तो पिलाओ। मैं लाती हूँ। ले पहन लिए बनारसी साड़ी, और देख बिलासपुर के सेठ बनवारी लाल जी के यहाँ आज मुजरा है, तुझे वहां जाना होगा। मेरी तो तू सचमुच लक्ष्मी है। देख कैसी खूबसूरत गाड़ी बाहर खड़ी है। चल तैयार हो जा। मौसी ये गाड़ी वापस लौटा दो। लड़की, तुझ पर उस मास्टर ने जादू टोना किया है, या तेरे जितने नखरे में बर्दाश्त करती जा रही हूँ उतनी तू सिर पर चलती जा रही है। चल कपड़े बदल और तैयार हो जा। नहीं मौसी, मैं उस बनवारी लाल के पास नहीं जाऊंगी। तो कहाँ जाएगी? उस मास्टर के पास। हाँ। कहती है हाँ, कितने महीने हो गए तुझे उसके पास जाते। तू लाई क्या वहां से? क्या मैंने आश्रम को रखा है? मारो, जाओ और मारो, लेकिन तुम मुझे उस बनवारी लाल के पास न भेज सकोगी। तुम्हारी इसी जबरदस्ती की वजह से बिमला चली गई, मैं भी बिमला की तरह यहां से चली जाऊंगी। खूब सजा लेना तब मुझे। लक्ष्मी, क्यों मेरे जख्मों पर नमक छिड़कती है? खुद ही सोच, ऐसा कभी चलता है? हमारा प्यार होता है दौलत से। ठीक है, तू कहती है मैं लौटा देती हूं। जो कुछ किया है ठीक किया है, आगे क्या होना है वो भगवान पर छोड़ दो। चलो तुम्हें छोड़ा। बाबूजी, ये सब मोहल्ले वालों ने देख लिया तो? देखने वालों ने सब देख लिया लक्ष्मी, छिपाने से कोई फायदा नहीं। आओ। सोच रही हो लक्ष्मी? यही कि मैं घर जाऊंगी, वही घर, वही मौसी और वही माहौल। घर जाने को जी नहीं हो रहा है, क्यों ना कहीं जाकर थोड़ी देर बैठ जाए। चलो मेरे साथ। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। मैं अक्सर यहां चला आता। आपकी बांसुरी कहां है? लानी भूल गया, मुझे ख्याल भी नहीं था कि हम यहां आएंगे। हवा कुछ जरूर से ज्यादा ही तेज है। आजाद है, इसे यहां कोई बंधन नहीं। चलो वहां बैठे आओ। अरे कहां गई तुम? तो खुशी से ऐसा लगता है मैं भी आजाद हूं, सब बंधन टूट गए हैं।
सफर में अकेले थे हम, मिल गए तुम तो दिल को सहारा मिला, आ गए एक नए रास्ते पर कदम, जब तुम्हारी नजर का इशारा मिला, जिंदगी के सफर में अकेले थे हम। दिल की कश्ती में रखा कदम, हमको तूफान में भी किनारा मिला, जिंदगी के सफर में अकेले थे हम, मिल गए तुम तो दिल को सहारा मिला, जिंदगी के सफर में अकेले थे हम। जब मुस्कुरा कर पुकारा हमें, जिंदगी को खुशी का नजारा मिला, जिंदगी के सफर में अकेले थे हम, मिल गए तुम तो दिल को सहारा मिला, जिंदगी के सफर में अकेले थे हम। करते हैं हम अब जमाने का डर है न दुनिया का गम, अपनी तकदीर पर नाज करते हैं हम, आज आंखों को जलवे तुम्हारे मिले, आज हाथों को दामन तुम्हारा मिला, जिंदगी के सफर में अकेले थे हम, मिल गए तुम तो दिल को सहारा मिला, आ गए एक नए रास्ते पर कदम, जब तुम्हारी नजर का इशारा मिला, जिंदगी के सफर में अकेले थे हम। देखो रत्ना, आंसू पूछो और फिक्र मत करो हा? लेकिन डैडी, मैं कॉलेज में क्या मुंह दिखाऊंगी? मैंने कहा ना कि फिक्र मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। रामू चतू, क्या बात है? मास्टर जी, आप गुस्सा हैं? नहीं तो मास्टर जी, इसमें क्या है? इसमें इसमें मिठाई है, मिठाई। रामू खोलो इसे। अच्छा। और सब मिलके खाओ। हाँ अच्छा। शाबाश।
निर्मल, रत्ना मेरी इकलौती बेटी है। मैं नहीं चाहता कि वो इतना पढ़े कि उसकी सेहत खराब हो जाए। इम्तिहान में उसके पर्चे अच्छे नहीं हुए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो अच्छे नंबर लेकर पास हो जाए। रुपए तुम्हारे काम आएंगे, लेकिन ख्याल रहे रत्ना को इसका पता ना चले। रिश्वत? बच्चों ये मिठाई मत खाओ, फेंक दो। आप? मैं मौके से चला आया, मुझे यकीन था कि आप जरूर देंगे। लाइए लाइए, इस महीने की किराया मिलकर 160, और अगर एक महीने का आप पेशगी दें तो पूरे 200। ये रुपए मेरे नहीं है। आपके नहीं? हुजूर हम तो जाने लक्ष्मी जिसके हाथ में है उसी की है। मैंने कहा ना ये रुपए मेरे नहीं है, रिश्वत के हैं। मैं अभी आता हूँ लौटा कर। मत लौटाइए हुजूर, ये तो कलयुग है, धर्म करण सब यहीं रह जाएगा। फिर मेरी भी सुन लीजिए, अगर आज शाम तक रुपए ना मिले तो आप भी यहां रहने के नहीं। उठाइए ये रुपए। ये रुपए और चिट्ठी भेजने की आपने हिम्मत कैसे की? आपने मेरी नहीं, मेरे इस महान पेशे की तोहिन की है। मेरा पेशा कुर्बानी का पेशा है, रिश्वत खाने का नहीं। मेरे ही टुकड़ों पर पलने वाले मुझे यहां खींच जाता है। माफ कीजिएगा, हम किसी के टुकड़ों पर नहीं पलते, अपनी मेहनत मजदूरी का खाते हैं। 250 रुपए की रसीद देकर 150 रुपए, एहसान हमारा आप पर है, आपका हम पर नहीं। तू मुझ पर एहसान जताता है, निकल जा मेरे घर से, निकल जा। जा रहा, आपके हुजूर में खड़े रहने का शौकीन नहीं, दम घुटता है। आज डैडी के कहने पर नहीं, सच निर्मल बाबू, बदमाशी करने के लिए रुपए और किराया चुकाने के लिए नहीं। देखता हूं। सोच क्या रहे हैं, लिखिए। मैं अभी और इसी वक्त उस निर्मल के बच्चे को नौकरी से डिसमिस करता हूं। लेकिन सेठ जी, मैं आपसे अर्ज करता हूं कि मैनेजिंग कमेटी की इजाजत के बगैर आप किसी को डिसमिस नहीं कर सकते। मिस्टर वर्मा, मैनेजिंग कमेटी गई जहन्नुम में, ये मेरा हुक्म है। लेकिन लेकिन आपको ऐसा हुक्म देने का कोई अधिकार नहीं। अधिकार नहीं? चाहे उसने मेरी बेइज्जती की हो, चाहे उसने कुछ भी किया हो। ओ, तो इसका मतलब है कि आपको भी मेरी कोई इज्जत नहीं, आप भी नमक। एहसान फरामोश, जलील, कमीना। सेठ साहब, अपनी जबान को काबू में रखिए। पैसे की घमंड में दबे हुए को इतना न दबाइए कि वो बागी हो जाए। निर्मल को डिसमिस करने के साथ साथ आप मेरा भी इस्तीफा मंजूर कीजिए। मैं ऐसी नौकरी पर लानत भेजता हूं। डैडी, आपको हो क्या गया है? प्रोफेसर वर्मा शायद आपसे उम्र में भी बड़े हैं। आपने उन्हें गालियां देनी शुरू की। प्रोफेसर निर्मल को रिश्वत भेजकर उन्हें खरीदना चाहा। आपको उन दोनों से माफी मांगनी चाहिए। आप अपनी गलती नहीं मानेंगे, इसलिए जो सही रास्ते पर है उनसे कहने, मैं उनके साथ हूं। तुम नहीं जा सकती, मेरी इजाजत बगैर बाहर कदम नहीं जा Thank you.
लक्ष्मी आओ बैठो। क्यों आज फिर कोई गहरी सोच है? मैं जानती हूं आप तभी यहां आते हैं जब आपको कुछ सोचना होता है। तब तो ये भी जानती होगी मैं क्या सोच रहा हूं। बताऊं? बताओ। आपके चेहरे से दिल की बात मालूम नहीं होती। तुम उठकर दूर क्यों चली गई? यूं ही। सोच क्या रही हो? लक्ष्मी गंगा का पानी इतना पाक क्यों है? डाल रही हो? नहीं सच बताइए ना। कहते हैं जितने भी यात्री इसके स्नान को आते हैं गंगा मैया इनके पापों को अपने में समो लेती है और इसीलिए गंगा जल को पाक माना जाता है। मुक्त हो जाते हैं वो अपने पापों से? विश्वास तो यही है। तो मेरे भी पाप धुल जाएंगे। तुमने कौन सा पाप किया है? पाप न किए होते तो ऐसा जन्म क्यों होता? लक्ष्मी लक्ष्मी रुक जाओ लक्ष्मी रुक जाओ आगे पानी बहुत जा रहा है। लक्ष्मी क्या कर रही हो? जानती नहीं आगे मौत है। बेशरम को घर आने की भी लाज नहीं। सेठ साहब कुछ ही दिनों में यूनिवर्सिटी के लोग कॉलेज की जांच पड़ताल करने आ रहे हैं। कॉलेज के नाम पर अगर ऐसा धब्बा लग गया तो हमारे लिए अच्छा न होगा। तो आप क्या चाहते हैं कि इस मामले को दबा दिया जाए? जी नहीं मैं ये चाहता हूं कि कोई भी फैसला करने से पहले हम मैनेजिंग कमेटी की एक मीटिंग बुला लें और उसमें आकर निर्मल अपना बयान दें। ठीक है आप मीटिंग बुलाइए मगर बुरा मत मानिएगा। अगर आप ये सोचते हैं कि आप निर्मल बाबू को बचा लेंगे मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। आखिरकार लक्ष्मी ने तुम्हारी बात मानी ली। हर लड़की का ऐसा होता है लेकिन आखिर वो समझ जाती हैं। मगर ये मुजरा किस खुशी में हो रहा है? सेठ जी की सालगिरह। कितने आदमी लेने आए हैं? तीन हैं, चार नहीं। लक्ष्मी तेरा इरादा क्या है? मुझे डर लग रहा है न जाने तू क्या करने वाली है। जा रही हूँ आ गले तो मिल ले। लक्ष्मी तैयार हो गई? हाँ मौसी। कमले जल्दी कर। या ढूंढ ले
भरोसा क्या बिगड़े के संवर जाए, किस्मत का भरोसा क्या बिगड़े के संवर लड़की ले गया है तो मैं क्या करूं? कहने आए हैं आपसे सेठ जी, आपका आदमी है, आपके कहने से लौटा दे तो अच्छा है। बुरा मत मानिएगा, निर्मल से मेरा क्या ताल्लुक और फिर आपसे क्या ताल्लुक? ठीक है सेठ जी, निर्मल बाबू से अगर आपका कोई ताल्लुक नहीं है तो कोई बात नहीं, चलो भाइयों। अरे अरे ये क्या हो गया? ये मेरे घर और मुझसे नहीं पहचाना जा रहा है, हर चीज अपनी जगह पर बराबर है। मालूम होता है घर में कोई औरत आई हुई है, लेकिन एक अपनी औरत है। क्या कहा जी? कुछ नहीं। ओ, कुछ नहीं, मैं तो आपकी तारीफ कर रहा था कि मैं बेकार हूँ। हाँ क्या
नहीं नहीं, मैं ये कह रहा था कि मेरी बीवी को सलीका नहीं है। भाई इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, तुम अमीर बाप की बेटी हो। अमीर बाप की बेटी ना होती तो पूछ सकते हो ये ठाट कैसे चलते? मुझे तो कहते हो खुद जैसे बड़े काम के मर्द हो। जिंदगी में किया ही क्या है, एक ही क्लास में सिर्फ 9 बार फेल हुए, किसके ऊपर पर मेरे बाप ही के तो। अरे रे, तुम बात को कहां से कहां ले गई। झगड़ा मत कीजिए, मुझे लगता है ये सब मेरी वजह से हो रहा है। नहीं नहीं बहन, तुम्हारी वजह से नहीं। नहीं, ये सब मेरी वजह से हो रहा है, ये झगड़ा सब मेरी वजह से हो रहा है। मैंने कहा मेरी किताबें ले आओ, मुझे कॉलेज जाना है, चलो। किताबें मैंने बेच दी। किताबें बेच, अब मैं कॉलेज कैसे जाऊँ? जाइए अपने ससुर के पास, कोई काम देंगे। अच्छा जी, आजकल आप मुझ पर हुकुम चला रही है, यानी मुझे आपकी बातें सुननी पड़ेंगी। मैं कोई जुलू का गुलाम नहीं हूँ, जहाँ मेरा जी में आएगा मैं वहीं जाऊंगा। हाँ, बिल्कुल बच्चे हैं, रूठ गए हैं, अब बगैर मनाए नहीं मानेंगे। मैं जाकर मना लूं। कौन? आप? मैं निर्मल बाबू की एक स्टूडेंट हूं, तुम्हें देखने आई हूं। मुझे? हाँ, याद है एक बार तुम कॉलेज में आई थी, एक झलक सी थी मेरे दिमाग में, लेकिन कुछ समझ नहीं सकी। जानती हो क्या? नहीं, क्या है तुम में जो निर्मल बाबू जैसे हमारे प्रोफेसर अपना सब कुछ निछावर करने को तैयार हो गए? धूल भी तो नहीं हूं मैं उनकी पांव की। लक्ष्मी, कितना मासूम। ये क्या? नहीं चाहिए, ले नहीं चाहिए, ले लो ले लो, ये मेरी मम्मी का है, उन्होंने मुझे दिया था, इससे तुम्हारा निर्मल बाबू का हमेशा भला होगा। ले लो। आप नहीं थे, कहने आई थी, संभल के रहिए गुंडे। जानता हूं रत्ना, गुंडों की मुझे कोई परवाह नहीं, जान से ज्यादा मुझे अपनी इज्जत प्यारी। आज मुझे कॉलेज की कमेटी के सामने पेश होना है। मुझे यकीन है परमात्मा आपकी इज्जत रखेगा। तुम्हारे डैडी मेरे खिलाफ हैं, फिर भी? डैडी परमात्मा तो नहीं। शुक्रिया निर्मल बाबू, आपको अपनी जान इतनी प्यारी नहीं, लेकिन लक्ष्मी का आपके सिवा सारे जहां में कोई नहीं। ये क्या? रत्ना आई थी, कहती थी रख लो इसे, इसे तुम्हारा निर्मल बाबू का भला होगा। लक्ष्मी, मेरा ख्याल है कि हम दोनों शादी कर लें। शादी? हाँ। मैं सपने देख रही हूं क्या? नहीं लक्ष्मी, सच। भगवान, क्या मैं इतनी भाग्यवती हूं? लक्ष्मी,
मैं कॉलेज जा रहा हूं, जल्दी लौटाऊंगा। आज न चाहिए बाबूजी। क्यों? न जाने क्यों, मेरा दिल कह रहा है न चाहिए बाबूजी, न चाहिए। लेकिन आज तो मुझे कॉलेज की कमेटी के सामने पेश होना है, मेरी इज्जत का सवाल है। लक्ष्मी चलो आज ही शादी कर ले, मैं अपने साथ पंडित को लेता हूं। अब तो मुस्कुरा दो, मुस्कुरा दो ना। घबराओ नहीं, तुम्हें जबरदस्ती वापस ले जाने नहीं। तो शादी हो रही है तुम्हारी? हाँ आज ही, अब तुम जाओ यहाँ से, चली जाओ। बच्ची रही लक्ष्मी, तुम्हें मालूम है इतनी सब लड़कियों के होते हुए मुझे सबसे ज्यादा प्यार तुमसे क्यों रहा? मेरी बदकिस्मती और तुम्हारी लालच, अब तुम जाओ। नहीं, मुझे तुमसे ज्यादा प्यार इसलिए रहा क्योंकि तुम्हें देख मुझे अपने दिन याद आ जाते हैं। विमला चली गई, मुझे इतना दुख न हुआ, लेकिन तुम जैसे बिल्कुल वही मेरी जिंदगी दोहरा रही हो। एक दिन तुम्हारे तरह मैं भी घर से भाग कर आई थी, बहुत बड़े जमींदार का लड़का था वो, हमने शादी कर ली। जानती हो फिर क्या हुआ? क्या? उन्होंने खुदकुशी कर ली। नहीं, तुम मुझे बहका रही हो, ये सब झूठ है, चली जाओ यहाँ से। इज्जतदारों की बीवी उनकी इज्जत होती है, उनके बच्चों की माँ। वो कभी नहीं सुन सकते कि उनकी औलाद के बारे में कोई कहे वेश्या की औलाद है। नहीं नहीं, तुम चली जाओ यहाँ से, मैं कुछ नहीं सुन सकती। वो मौत मांगती हैं, लेकिन उन्हें मौत नसीब नहीं होती। चंद एक खुश नसीब ऐसी हैं जो खुदकुशी कर लेने में कामयाब हो जाती हैं, लेकिन उनकी मौत की किसी को कानो कान खबर नहीं होती। मैं पूछता हूं उनका गुनाह क्या है जिनकी सजा ये है? गुनहगार कौन है? मैं, आप, या वो मासूम लड़कियां जिन्हें हम वेश्या बनने पर मजबूर कर देते हैं? क्या मेरा, आपका उनकी तरफ कोई फर्ज नहीं? आप मुझसे यह सवाल कर सकते हैं, तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम एक लेक्चरर हो, लेकिन मैं क्या करूं, मैं लेक्चरर से ही इंसान भी हूं। रास्ता चलते अगर कोई किताब और वो भी बच्चों का कायदा मेरे कदमों में आ पड़े तो मैं उसे उठाए बगैर, अपनी आंखों से लगाए बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। क्यों?
क्योंकि मैं एक लेक्चरर हूं, शिक्षक हूं, और अगर वो किताब एक बेबस मजबूर लड़की की हो जो पढ़ना चाहती हो लेकिन जिसे हालात और चंद लोग वेश्या बनने पर मजबूर कर रहे हो, तो मैं उन हालात और उन लोगों के खिलाफ जंग किए बगैर नहीं रह सकता। वो लड़की लक्ष्मी है। अब अगर आप लोग भी उन हालात उन लोगों का साथ देना चाहते हैं, अगर आपकी नजरों में भी लक्ष्मी बुरी है, उसकी आपके समाज में कोई जगह नहीं, तो मैं भी बागी हूं। जहां मेरी जगह नहीं वहां जगह बनाऊंगा, जहां लक्ष्मी की जगह नहीं वहां लक्ष्मी को बिठाऊंगा। आप फैसला कर लीजिए। मेरा फैसला है। ठहरिए सेठ जी, फैसला सिर्फ आप ही पर निर्भर नहीं। मैं समझता हूं, लेकिन एक बार, शायद आखिरी बार, अगर श्री निर्मल कुमार बागी हैं तो मुझे भी बगावत कर देती थी। मेरा फैसला है। मैनेजिंग कमेटी आपके फैसले की पाबंद नहीं। लेकिन मैं मैनेजिंग कमेटी के फैसले का पाबंद हूं। मेरा फैसला यह है कि मैंने श्री निर्मल कुमार को समझने में गलती की। वो निर्दोष है। क्या आप लोगों का यह फैसला नहीं? मैनेजिंग कमेटी का भी यही फैसला है, और मैनेजिंग कमेटी प्रोफेसर वर्मा का इस्तीफा भी नामंजूर करती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं इजाजत चाहूंगा। डैडी, डैडी, क्या देख रहे हैं? ये तस्वीर। पंडित तो नहीं ला सका, रास्ते में गुंडों ने। लक्ष्मी, 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 तुम कहाँ हो? लक्ष्मी, लक्ष्मी कहाँ है? मैं जब से वापस आई हूँ मैंने तो उसे देखा नहीं। पर भैया, ये आपको क्या हो गया? तो वो गई कहाँ? मुझे पता नहीं। हाँ, आपके नाम एक लेटर है। वाह, बाबूजी, न जाने कौन से पाप किए हैं मैंने जिनसे इस जन्म में मुक्ति नहीं मिल सकती। मौसी आई थी मुझे वापस ले जाने नहीं,
बताने, वो भी मेरी तरह उस नरक से भाग आई थी। आप जैसे एक देवता ने उसका हाथ थामा था, शादी हुई थी। जानते हैं फिर क्या हुआ? उन्होंने खुदकुशी कर ली। भगवान न करे कल हमारे बीच ऐसा हो। लक्ष्मी, क्या कर रही हो? इतनी कोशिशें, तकलीफें हमने इसलिए सही? मैं तुम्हारी जिंदगी में लौट जाने के लिए नहीं आया। मैं ऐसा बुजदिल नहीं। तुम्हारा हाथ थामा है तो निभाऊंगा, जिंदगी भर निभाऊंगा। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं? लक्ष्मी बोलो, बोलो लक्ष्मी। अब जमाने का डर है न दुनिया का गम, अपनी तकदीर पर नाज करते हैं हम। आज आंखों को जलवे तुम्हारे मिले, आज हाथों को दामन तुम्हारा मिला।